पहुंच चुके हैं अट्टा। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। ओके, तो दिल्ली दर्शन के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं एक मार्केट में, बहुत फेमस मार्केट है नोएडा सेक्टर 18 में, अट्टा मार्केट। आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे होंगे। तो ये सरोजनी जैसा ही एक मार्केट है अट्टा मार्केट, जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं भी गई नहीं हूँ, लेकिन मामी से मैंने बहुत सारी तारीफ सुन रखी है उसकी। तो आज हम निकले हैं, लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, क्या मिलेगा, कितनी शॉपिंग करेंगे और क्या होगा। इसको लाए हैं आज, ये बनेगा हमारा कैमरामैन। कल वो कैमरामैन था, ये मॉडल थी और आज ये कैमरामैन है और ये मॉडल है। तो हम पहुँच चुके हैं अट्टा। इसका एक्चुअली में विलेज, इसका नाम है ग्राम अट्टा ऐसा। ओके, तो ये अट्टा मार्केट यहाँ से स्टार्ट है। स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छे यूनिक से झुमके हैं, बट ये एक भी इयरिंग वाले भैया कहीं है नहीं, कौन से कितने के ये पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ से ये टी शर्ट्स लगे हुए बहुत सारे। यहाँ से आगे ये टी शर्ट है फैंसी, कैसे ये 200 सारी, ये सारी टी शर्ट 200 की है। एंड ये समर अप्रोप्रिएट है, मतलब इसके जो कलर्स हैं, जो लुक्स हैं ना, वो सारे के सारे समर वाले हैं। जस्ट मेट्रो स्टेशन के सामने ही है। ये मम्मी का फेवरेट है, ये तो खोजियों के लिए। ये कितने का, कौन है यहाँ पे पता नहीं, कितने का, 650 का है ये। यहाँ पे एक क्यूट क्यूट पर्स है जो मेरे पास है, रेड कलर नहीं है, सामने ही है कलर मैडम। ये वाला कलर भी बहुत प्रिटी है, 250 का है ना ये वाला, सेम। ये भी 200।
फेवरेट इयर रिंग्स है, ये मुझे बहुत बहुत लेने हैं, तो इसको मैं ले लूँगी। फ़ोन कर रही थी तो एक अंकल आए थे, जोमेटो वाले थे मेरे हिसाब से, तो उन्होंने मेरे को एड्रेस पूछा, तो ये बंगलो तो लिखे हुए मेरे को पता चल गया। मैंने बताया तो कार्तिक बोलते अरे वाह तेरे को 8 दिन में पूरे रोड पता चल गए। मैंने कहा उसमें क्या पता करना है, ये लिखा हुआ है सब। रात को आए थे एक वो जोमेटो वाले अंकल। पर ये नया नया लग रहा है, हाँ वो क्या अपना ही एरिया है, अब रोज घूमने का हुआ है तो। हाय, हम शॉपिंग करके आ गए बहुत सारी। हाय, बहुत सारी शॉपिंग करके आ गए हम। और ये मसाला है बहुत दिल आ गया था। इतना दिल की कैसे भी करके ये ले लिया है हमने। हमारा वास्ता ले आओ नानू, ये तेरा है ना। हाँ, ये थैली थी इसकी एक। कैसा है बेटा? अरे दुखी हो गया था, मुंह लटका गया, कैसा है बेटा था? कैसा लगा बेटा ये बता तू। भाई उसको ये सेम ऐसा कैसा ढूंढा फिर हमने, दूसरे कलर भी थे, मैंने कहा कि वो यही मेरा कुत्ता इतना खेला दीदी कि सेम सेम लो बेटा। अब लालू और दीदी एक एक साथ कहीं जाएंगे और सेम सेम लेके जाएंगे, मस्त है। मतलब ये है, ये कितनी हद है देख लो, वो मच्छर मारने के उसमें वो कर क्या रहे हैं। और वो आज तो दोनों नहाए भी नहीं है। मच्छर को बुला रहे हैं वो। नहीं तो आज तो मतलब हद हो गई, वो लग रहे हैं तांत्रिक जैसा है। बिना बिना नहाए तो है बाबे। बाबा बेटा